फोटो कैसे बनाएगी, वीडियो कैसे बनाएगी? ले भाई जरा फोन, हो गया तेरा। सुबह उठ के देखो क्या कर रहा है। आज मैंने बनाया सूजी का हलवा, बहुत टेस्टी। काफी दिनों तो सूजी लगा था डीमार्ट से, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने उठते बना दिया। इसमें कोई टाइम भी नहीं लगता ज्यादा, 5-10 मिनट में तैयार हो गए हैं। अब बस इसके ऊपर थोड़ी गार्निशिंग करनी बाकी है, काजू बादाम से। ये बिल्कुल रेडी है। ओके, तो फिर मैं टेस्ट करके बताऊंगी कैसा लगा। और गाइस, हलवा खाने के बाद हम सीधा जाएंगे कपड़े धोने, फिर सारे कपड़े धोने। और आज मुझे जोड़ियों भी लेके जाना है। ठीक है गाइस, तो बने रहिए व्लॉग के साथ। हलवा बन के रेडी हो गया और मैं देखो एक बाइट लेके खा के दिखाती हूँ आपको। बहुत टेस्टी हलवा बनाया लड़के ने, मजा आ गया। सुबह सुबह क्या विचार बना, तो आज हलवा बना देगा। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और यार बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है। और गाइस एक बात बतानी थी आप लोगों को, जो हमने लेटेस्ट में एक तेल मंगवाया था, ब्लॉग भी डाला था, आदिवासी तेल, वो मैंने कल मतलब अपने बालों में लगवाया था, अप्लाई किया। मेरे को काफी अच्छा लग रहे हैं मेरे हेयर, और मैंने दो बार लगा लिया, कितने सिल्की शाइन लग रहे हैं मेरे बालों में। ना भी खुजली थी, मचने लग गई थी, वो मिट गई मेरी, और बाल लगते हैं। हाँ सही है, बाल धोने के बाद बाल ऐसे हो गए जैसे भारी भारी हो जाते हैं ना, बहुत बहुत ज्यादा बाल ऐसे लगने लग गए मेरे को अपने बाल। तो मुझे तो गाइस बहुत अच्छा लगा, और आप भी आदिवासी तेल परचेज करें, लेकिन ओरिजिनल करना, कॉल करके व्हाट्सएप पे बात करके लेना, क्योंकि फर्जीवाड़ा बहुत हो रहा है। इसलिए ओरिजिनल तेल है ना 1500 का है, और नकली तेल आपको 400-500 का फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा। 400-500, 1200। हाँ, कोई 1200 में दो दे रहा है, 1200 में तीन दे रहा है, ये 1500 में ओनली एक बोतल है। इसकी पहचान बता देता हूँ मैं आपको गाइस, इस तेल की असली पहचान है कि इसमें चूहा मर जाता है ना, वैसे बदबू आती है। हाँ, अजीब सी स्मेल आती है, लेकिन हाँ बालों में काफी ज्यादा फायदा दिख रहा है, जो मैं आपको ओरिजिनल दिखा रही हूँ। मेरे सारे हेयर देखो, और डैंड्रफ बिल्कुल नहीं मेरे हेयर में। देखो गाइस, इसको मुझे ले जाने कितने फायदे, एक तो होठ बंदा साफ चलेगा तेरे, ऊपर से ठंडी ठंडी बर्फ में एक दो वीडियो शूट हो जाएंगे इसके साथ, तो कितने फायदे इसको बताओ मेरे साथ। और फिर भी ये बोल रही है कि मेरे साथ फायदा नहीं है, इसको समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो अभी हम एक जगह प्लान कर रहे हैं, अभी पता नहीं कब जाएंगे, लेकिन हाँ अच्छी जगह जाएंगे। और मैं ना दो स्टाइलिश शूज लेने वाला हूँ, ये दिलाएगी मेरे को दो शूज। तो गाइस अभी हम यूट्यूब में एंटर हो गए, और आगे मैडम है ना हमारी, तो नई शॉपिंग करवाई थी, और खुद को भी शॉपिंग करवाई थी। देखते तो भाई सब ब्लॉगिंग करते तो देखेंगे नहीं, कि सब देख के चौंक जाते क्या कर रहे हैं। तो गाइस आज ये जोड़ियों में ढेर सारी शॉपिंग करनी थी, देख ले ये नहीं है शायद, वो यही है क्या, ये वाली है, ये वाली नहीं थी वो, ये वाली थी। अच्छा ठीक है, आ गया ना देख, लेकिन एक बार उधर बैठ के देख ले चेंजिंग रूम की तरफ। मैंने बोला था ना तेरे को भीड़ बहुत भयंकर होगी, अब लगी रही वहाँ पे लाइन में जाके, लेकिन ये एक बार अंदर चल गई ना तो 10-15 घंटे बाद ही निकलेगी, ये तो बात है ना पक्की, है ना। कुछ आया पसंद? गाइस आज इसको चेंजिंग रूम में बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो रही है वहाँ पे, लड़कियों ने पूरा कब्जा कर रखा है सोमवार है ना, इसलिए फाइनली इसने ड्रेसें देख ली, और अभी जा रही है चेंजिंग रूम में चेंज करने। जल्दी से आ जा, फोन तो लेके जा, फोटो कैसे बनाएगी, वीडियो कैसे बनाएगी? ले भाई जरा फोन, हो गया तेरा। रुक जा तो ये वाली ड्रेस ढूंढ, ये वाली भी लेगी क्या, ये ज़्यादा छोटी नहीं है, वो ज़्यादा छोटी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, सब जरूरत है। तो इसने दो चश्मे के बाद अब तीसरा चश्मा नहीं, चौथा चश्मा भी बनवा लिया है। ये दिखा दीजिए आप चश्मा, मेरा नहीं इसका, मेरा तो देख लीजिएगा, ये फ्रेम फिट उड़ गया इनकी दुकान का, अब दोबारा से इन्होंने तीसरा फ्रेम दिया है। आपकी बार इन्होंने बहुत मजबूत फ्रेम दिया है, और इसका वाला बन गया नहीं तो आएंगे कैसे, बोलो तुम भी इसका बन गया। जब हमने काम सीखा था ना, ये है 3D वाला, पहले 3D वाला नहीं था, बारी बारी ये देखो
रेडी सनग्लासेस का जूम दिखता है। तो अभी हमारा सनग्लासेस रेडी हो रहा है, ये तो बच्चे का फिट गया है अभी। तो गाइस ये मेरा सनग्लासेस पहले वाइट था, फिर ब्लैक हुआ और अब ग्रे कर दिया इन्होंने। और अभी देखते हैं कौन कौन से फ्रेम देते हैं मेरे को। ये प्रमोशन के लिए फ्रेम दे देते हैं मेरे को। और अभी इसका भी रेडी हो चुका है, तो अभी ये भी पहन के दिखाइए आपको। दोनों हाथ से पहनना, दोनों से उतारना। और गाइस आपको बता दूं, अभी हम जूडियो से निकले थे तो किसी ने हमारी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दी, तो इस कारण बहुत दिक्कत होगी। मैंने गाड़ी उठाने लग गया, मैं कभी जगह ही नहीं थी। देखो हाथ चल गया मेरा। पूरा तो बोल, जब कैमरा कहाँ चलू था। बड़ा ज्यादा है ना, फिर वही सर में दर्द होगा। बाकी ये दिखाओ, ये देखो गाइस इसका चश्मा। गाइस मैंने एक चश्मा बनवाया था डार्क कलर का, और एक चश्मा बनवाया लाइट कलर का, जो मैं मतलब कभी कभी लगाऊंगी दोनों को बदल बदल के। ये भैया बोलते हैं कि लाइट कलर लगाया करो, आप खुद ही ब्लैक हो। ये तो फिर बात सही है, तो आपने बोली थी। ये देखिए गाइस, ये भी, ये तो इस पे जमी ये कलर तो लेडीज है वो पागल है क्या। चलो फिर चलते हैं।